हेलो व्यूअर्स, आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा बारकोड कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को पास एक रिक्वेस्ट है। वीडियो का अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। बारकोड जनरेट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। ये एक फॉन्ट होता है, बाद में आप लोग को बता दूंगा जो फॉन्ट किस तरह डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ एक्सेल। ठीक है, ये जो एक्सेल है तो सिंपल से एक्सेल सीट है। यहाँ पे मैं लिख रहा सीरियल नंबर, ठीक है, और इसमें लिखता है कोड। जिस तरह मैं लिख रहा है इसी तरह लिख रहा है कोड। इसमें है बार कोड, बार कोड, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। एक कोड है, अरे बार कोड है, हाँ। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, कोड जनरेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह बार कोड जनरेट किया जाता है। जैसे देखिए, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, ठीक है। छोटा सा देखिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर ना करना ना भूलिए। देखिए, ए है कोड। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा 5 डिजिट का, ठीक है। तो ये बार कोड जनरेट करने के लिए सबसे पहले करना चाहिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो सभी को मैं सेंटरिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो हम जो न्यूमेरिकल फिगर लिखा हुआ है ना, जो 4444 ऐसा है, तो इसको पहले यहाँ बार कोड, जहाँ पे हम बार कोड जेनरेट जहाँ पे हम करेंगे, तो वहाँ पे इक्वल साइन देने के बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद इसको एंटर दे देना। इसी तरह इसको भी कॉपी करके रख दीजिए, ठीक है। अभी मैं बारकोड कैसे जनरेट मिले, ये जो नंबर है इसी नंबर के हिसाब से मैं जो बारकोड जनरेट करूँगा, तो यहाँ पे हमारा कर्सर को रख के, सेल पॉइंटर जहाँ पे यहाँ कर्सर रख के मैं चला जाऊँगा जो यहाँ पे देखिए, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, दिखा रहा, देखिए ऑलरेडी मेरा, देखिए ऑलरेडी जनरेट हो गया, बारकोड आ गया, ठीक है। इसी का भी इस तरह मैं यहाँ जाऊँगा, मेरा यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। इस फॉन्ट को किस तरह डाउनलोड किया जाता है आप लोगों को मैं सिखा दूँगा। देखिए यहाँ पे ये भी हो गया। नीचे मैं जाऊँगा, जब डाउनलोड होता है तो ये जो बारकोड को जो डायग्राम है तो यहाँ पे आके सेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे माय बारकोड जनरेट हो गया। देखिए अभी जब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली, आपको और कुछ करने नहीं होगा, अभी जब जब मैं इस कोड को चेंज करूँगा उसी हिसाब से बारकोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप मान के चलिए इस तरह मैं एक तो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को देखिए ऑलरेडी जनरेट हो गया। अब जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए ठीक है, देखिए हो गया ना, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। अभी देखिए यहाँ पे जो है, अभी यहाँ 555 है, तो मैं यहाँ चाहता हूँ जी जी जी, इस तरह एक कोड मैं लिख के रखा है।
इसी हिसाब से मतलब ऑटोमेटिकली एक जनरेट हो जाएगा। जी, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कवि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा है ऐसा ऐसा फिर ऐसा, तो बारकोड में हमेशा कैपिटल कैपिटल जो अल्फाबेट है वही लेता है, जो स्मॉल अल्फाबेट वो लेता नहीं है, इसी जगह पर वो ब्लैंक छोड़ देता है। ये ध्यान से मानो, ये कैपिटल है जी जी, हाँ डबल फाइव जी जी ए लेगा, लेकिन इसी जगह पे जो भी लिखा है ना स्मॉल में स्मॉल लेटर में, इसी जगह पे वो ब्लैंक छोड़ देगा। जिस तरह देखिए बना दिया लेकिन इसी जगह पे छोड़ दिया, यानी ये लेता नहीं है कोड जनरेट करने के टाइम, ये जो स्मॉल लेटर ए लेता नहीं है, ऑनली फॉर देखिए डबल फाइव जी जी डबल फाइव ये छोड़ दिया, ये ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है ना, मैं आशा रखता हूँ आप लोग समझ गया। जैसे यहाँ पे अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं जो मेरा कोड नंबर कोडिंग नंबर इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। लिखने के बाद यहाँ एंटर दीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये भी ऐसा है, ऐसा मैं कर दिया, जिस तरह आपको कोड आपको मर्जी है। देखिए इसको जो एंटर करने के बाद ही यहाँ पे कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, अभी मैं चल रहा, ये है कोड। जब भी किसी ये हम छोटा से देखा है, आप चाहते हो तो बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप देखिए एक चीज़, इतना बड़ा कर दिया। जब भी मैं एंटर करूँगा इसी हिसाब से बारकोड तैयार हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग आशा रखता हूँ मैं समझ गया है। वीडियो को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी मैं चल रहा, ये बारकोड कहाँ से कैसे डाउनलोड किया जाता है बहुत आदमी जानता है लेकिन कोई मैंने इसका जानकारी नहीं है। तो इस यहाँ कोई ब्राउज़र में जाके यहाँ लिखने पड़ेगा www, देखिए आ गया ऑलरेडी मेरा क्रिएट हुआ है, हम दिखा दे रहा। यहाँ पे थोड़ा कोड मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, कोड 39, ठीक है, बार कोड 39, ठीक है। ये देखिए कोड नंबर 39 द फॉन्ट, इसी के ऊपर क्लिक करें, देखें आ गया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करने पड़ेगा, देखिए अभी जो फिलहाल डाउनलोड मेरे पास है ऑलरेडी, जिसके लेके मैं काम किया था है ना CIA कोड नंबर, मैं यहाँ डाउनलोड किया था, डाउनलोड यहाँ पे डाउनलोड है। अगर चाहे तो यहाँ से डाउनलोड मार के चला जाने पड़ेगा, या डाउनलोड देने से डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इंस्टॉल करके आप उसको अपने PC में सेट कर लेना, ठीक है। CIA कोड 39 ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी है आप ले सकते हैं। तो ये CIA कोड मतलब कि इसके न्यूमेरिकल भी है, ये अल्फाबेट भी है, मैंने दोनों, अगर जब आप बारकोड जनरेट करने का टाइम आप इसको अल्फाबेट भी दिया है न्यूमेरिकल, तो दोनों एक ही साथ काम कर लेगा, इसीलिए मैं इसको फेवर करता हूँ। तो CIA कोड 39 ये डाउनलोड है, छोटा सा होता है, डाउनलोड करने के बाद आ जाएगा। फिलहाल मेरे डाउनलोड है, तो डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल करके आपको PC में इसको ले लेना बस, और कुछ कम। जब ये PC में आ जाएगा तो कहाँ पे आएगा ये भी देख लीजिए, आ जाने के बाद जैसे कि ये आ जाएगा तो इसी जगह पर आ जाएगा, ये जो है ना, ये देखिए जैसे मेरा आया, आप लोग को इसी जगह पर आ जाएगा, यहाँ से सेट कर लेना। तो अभी 4 नंबर में थोड़ा एक दिखा दे रहा है आप लोगों को बारकोड, जैसे के हो गया, ठीक है। अभी इसको जनरेट करने पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से
कॉपी कर दिया, ऑलरेडी ऊपर में तो है ही, देखिए कैसे हो गया। तो इस तरह बारकोड जनरेट होता है। कोई भी फिगर डाल दीजिए, यहाँ आप डाल दीजिए, दूसरा कोई फिगर डाल दीजिए, लेकिन कैपिटल में देना चाहिए। कैपिटल नहीं देने से नहीं होगा, ये हमेशा कैपिटल देना चाहिए। देखिए एंटर देने के बाद ही ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज यही था वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।